नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। धीरे चलेंगे जहां पे गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा रहे हैं। न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 57 की क्रांति में अच्छे अच्छे राजो रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया, तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मशाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है, उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर, और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाई और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में कांग्रेस डूबी रही, अंततः गतवा
2014 में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी उनका नेता ये नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करता है करना है दो विचारधाराओं के बीच। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है। भाई और बहनों, और ये कोई नेता के सिर्फ शब्द नहीं थे, 2014 में मोदी जी बोले मैं 23 में आपके सामने आया हूं, ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल जंगल और तो मंडला से गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ उन्होंने यहां से कहा, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 में उन्होंने एंट्री ली है, आदिवासी और दलितों की उन्होंने ये सरकार बताई है। खबर में आगे बढ़ेंगे, अहम जानकारी आ रही है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, घोसी सीट पर भी वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे 33.52% वोटिंग हो चुकी है। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, घोसी सीट पर भी इस वक्त वोटिंग लगातार हो रही है। सुबह सवेरे से ही यहाँ पे मतदाता पहुंच रहे हैं अपनी मतदान को करने के लिए। दोपहर 1 बजे तक 33.52% वोटिंग हो चुकी है और शाम को इसी तरीके से वोटिंग चलती रहेगी। 6 बजे तक का आखिरी वक्त बताया जा रहा है जब तक ये वोटिंग चलेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। बता दें कि यहाँ पे मतदाता भारी संख्या में पहुंच रही है और अपने मतदान का पूरा प्रयोग कर रही है और मतदान भी यहाँ पे कर रही है। महिलाओं की संख्या काफी कम नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम को 6 बजे तक यहाँ पे पूरी तरीके से मतदान हो जाएगा। दोपहर 1 बजे तक की बात की जाए तो 33.52% तक वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ अलग अलग राज्यों के उपचुनाव की तस्वीरें हैं। और बता दें कि अभी भी वोटिंग जारी है। इसी खबर पर सीधे घोसी से प्रदीप सिंह हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कहां पे आप इस वक्त मौजूद है, क्या वोटिंग स्थल पे मौजूद है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्योंकि 33.52% तक वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। अब क्या अपडेट, अब क्या जानकारी? जी, ताजा अपडेट यह है कि 36% मतदान हो चुके हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। कुछ स्थानों पर थोड़ा मनमुटाव चल रहा है पुलिस प्रशासन और मतदाताओं के बीच, क्योंकि आधार कार्ड में नाम अंतर होने की वजह से मतदेय स्थल पर जो है काफी नोकझोंक हो रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि प्रशासन उनके मतदाताओं को रोक रहा है और उनके जो है किसी भी तरह से उनको वोट नहीं देने की साजिश कर रहा है। जब भी वोटिंग होती है आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी में देखिए भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि यहाँ पे जाके गरीबों को पैसे बांटे जा रहे हैं उनकी तरफ से, यानी कि वोट खरीदा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि रात में भी पैसा बांटा गया है, सुबह में भी पैसा बांटा गया है। लेकिन अब चुनाव चूंकि इस मोड़ पर आ चुका है कि मतदान हो रहा है और यह तो दोनों सपा और भाजपा के लिए काफी एक चुनौती बनी हुई है और लोगों के बीच यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जब से इंडिया बनाम एनडीए का गठन हुआ है तब से यह पहला चुनाव है, घोसी उपचुनाव। यहाँ पर जो है काफी दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं पर भीड़ ज्यादा है अल्पसंख्यक वर्ग की, तो कहीं सामान्य लोगों की भीड़ ज्यादा है। और वास्तव में देखा जाए तो जातिगत आधारित मतदान हो रहे हैं
और ऐसे में यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जाति की राजनीति जो है हावी होती जा रही है, धन का प्रयोग हावी होता जा रहा है और रहनुमाई की बात तो दिगर है, लेकिन यह दोनों बिंदु वास्तव में भविष्य की राजनीति के लिए काफी कठिन शब्द होंगे। जी बिल्कुल, लिटमस टेस्ट के तौर पे ये देखा जा रहा है ये पूरा वोट बैंक। लेकिन बात की जाए प्रदीप, तो यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि जब तक वोटिंग शुरू हुई थी तब तक महिलाओं की पहुंचने का सिलसिला बहुत कम नजर आ रहा था, क्या अभी महिला भारी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने मतदान करने के लिए? जी, मतदान स्थलों पर महिलाओं की भीड़ अच्छी खासी अब निकल रही है। दोपहर से महिला मतदाता अपने कामकाज करके मतदान देने के लिए पहुंच रही हैं और बिल्कुल वह अपने वोट देने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि सुबह की बेला में मतदान काफी धीमे गति से रहा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लग रहा था बिल्कुल अब शाम तक देखना होगा कि कितनी फीसदी यहाँ पे वोटिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वोटिंग हो रही है, तस्वीरें लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे घोसी सीट जो है वो भी काफी दाव पर बना हुआ है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि दारा सिंह चौहान की यहाँ पे जीत दिलाई जाए, इसलिए चुनाव प्रचारों को भी लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी। खबर में आगे बढ़ेंगे, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर में निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है तो यह खबर वाकई सच है, राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को सलाम किया और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात और महान निर्देशक के तौर पर जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश के 200 शिक्षकों को टैबलेट देने के साथ ही टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बेसिक के 75 और माध्यमिक के 19 समेत कुल 94 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। याद करिए 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा इन लोगों का नाम क्यों दे रहे, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया? और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से
और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। धनखड़ ने सोमवार को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में संबंध में महारानी महाविश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। छात्राओं से संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के लिए आसमान ही सीमा है, वो हर क्षेत्र में प्रशासन सेना कॉर्पोरेट में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही है। संविधान की बात है, आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू नोट इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन ऑल इलेक्शंस गर्ल्स एंड वीमेन हैव 1/3 रिजर्वेशन और ये रिजर्वेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। आई कैन टेल यू वो दिन दूर नहीं है बल्कि बहुत नजदीक है जब अपने भारत में इस महान देश में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व है संविधान में बदलाव कर आएगा। एंड आई कैन टेल यू गर्ल्स We will be a global power by 2047. But if this reservation takes place early, we will be number one even before 2047. और समाज में भी बदलाव आ गया है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता है और थोड़ा झुकाव है तो वो आजकल लड़कियों की तरफ ज्यादा है। आई हैव नो डाउट आपका पर्दा भारी है, आप संभल कर रहिए एंड एक्सप्लोइट योर टैलेंट। जहां तक संविधान की बात है, आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू नो। और बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के लिए हाल ही में की गई छुट्टी कटौती के आदेश को वापस ले लिया है। छुट्टी कटौती के आदेश को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पहले से लेकर 12वीं तक की स्कूलों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राजकीय राज्यकृत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। निदेशक ने इसकी जानकारी सभी जिला पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ सभी सरकारी विद्यालयों को भी दी है। और जम्मू कश्मीर के चंबा घाटी के रियासी जिले के चसाना इलाके में एक एसपीओ के रविवार को बंधक बनाने वाले एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने सोमवार शाम को हुई मुठभेड़ में मार गिराया। माना जा रहा है कि दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया। ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी समेत दो जवान घायल हुए। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इनपुट के आधार पर इलाके में दो आतंकियों को घेरा था। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी समेत तमाम साधु संतों और हिंदू संगठनों के इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं अब अयोध्या स्थित तपस्विनी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सनातन धर्म पर की गई उनकी टिप्पणी का विरोध करते हुए उदयनिधि का सिर काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएम के नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते। यहाँ तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है,
लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं। सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। और राजस्थान में टिकट से पहले कांग्रेस में रार मची हुई है। जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर राय शुमारी करने के लिए बुलाई गई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लात गुस्से तक चलने लगे। काफी देर हंगामा और मारपीट चलती रही। यह सब कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा और जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ। हंगामे के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इन नारों के बीच में पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने कहा कि ही लगाना है तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाई है। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया है जिसमें कुछ कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो कुछ हंगामा कर रहे हैं। इस बीच पर्यवेक्षक उनसे कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कह रही है। और रायबरेली जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है जो कि 2 नवंबर तक जारी रहेगी। दरअसल प्रशासन ने त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू की है, जिसको लेकर अपर जिला अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान धारा 144 उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डिग जिले के गांव इकलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार के खाने में कीड़े निकलने से स्कूल में हड़कंप मच गया। इस बारे में स्कूल के छात्रों ने अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद स्कूल जाकर परिजनों ने इसके बारे में अध्यापक से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्राओं के परिजनों से बात करने के बजाय बहस हो गई। इसको लेकर परिजनों ने मीडिया को जानकारी दी। मीडिया कर्मी ने सब्जी में कीड़े तैरते हुए दिखाई देने को लेकर सीबीएसई अतुल चतुर्वेदी से बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब मीडिया कर्मियों ने अध्यापक से बात करने की कोशिश की तो वो बात करने से बचते हुए स्कूल से बाहर निकल गए और उन्होंने पत्रकारों के सामने आने से भी साफ साफ मना कर दिया। दौसा के विधायक और कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा का जयपुर से धौलपुर जाते समय मीणा समाज के लोगों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के समय गांव निठार के रहने वाले रवि कुमार मीणा और ग्राम पंचायत निठार सरपंच वाली राम जाटव ने निठार की गई समस्याओं से अवगत कराया। इसके अलावा निठार में कृषि मंडी खोले जाने और वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री बजन लाल जाटव पर विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि मंडियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। जिस जगह पर जमीन अलॉटमेंट कराई गई है उसी जगह पर कृषि मंडी बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन कासगंज जनपद में बदमाशी और लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस का खौफ नहीं है साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला मथुरा बरेली स्थित सोरो थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस की नाक के नीचे से लुटेरों ने ITC के व्यापारियों के मुनीम गोविंद वहाशी के अभिषेक जो सोरो कस्बे के एक व्यापारी से 5,55,000 लेकर फरार हो गए। बता दें कि तभी सोरो स्थित पुलिस लाइन पर मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने अभिषेक को और गोविंदा से पैसे से भरा ये बैग लूटकर वो फरार हो गए। और उत्तर प्रदेश की मऊ जिले के घोसी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। कड़े पहरेदारी के बीच मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं, जिनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। घोसी में कुल मतदाताओं की संख्या 4,00,000 से ज्यादा है और ऐसे में अगर पुरुषों की संख्या की बात की जाए तो 2,31,545 है, महिलाओं की संख्या 1,58,840 है। 239 मतदान केंद्र पर 455 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान होने पर मतदान केंद्रों के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को लगाया गया है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।